कितना सॉफ्ट है। ये देखो गाइस देख लो So guys, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे गुजराती के जो खट्टे ढोकले की रेसिपी होती है वो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को ओवरनाइट सोक करके रख देना है। जैसे कि हमने लिया है 1.5 कटोरी चावल और 1.5 कटोरी चना दाल, उसके बाद आधी कटोरी उड़द की दाल और आधी कटोरी मूँग की दाल पीली वाली, इन सबको हमने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। अब ये देखिए, अब मैं इसको पीसने जा रही हूँ। इसको हम लोग बारीक पीस लेंगे और पानी नहीं डालेंगे हम लोग, इसमें दही डाल के इसको पीसेंगे। देखिए मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया वो सारा जो हमारा मिश्रण है, उसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा दही डाल के आपको पीसना है इसको। जार को बंद कर देते हैं। देखिए पीसने के बाद ऐसा टेक्सचर है। अभी और एक बार हम इसको पीस लेंगे ताकि जो दरदरापन है, थोड़ी सी दाल रह गई है सो वो सब पीसा जाए अच्छे से। ये देखिए अच्छे से पीसने के बाद ये ऐसा हो गया इसका टेक्सचर, एकदम स्मूथ टेक्सचर। इसको हम कलेक्ट करें पतीले में क्योंकि और हमें पीसना है। और इसमें क्या बोड़ा बोलते हैं हम लोग, जो फर्मेंटेशन है वो अच्छा आता है, इसलिए बड़ा पतीला लिया है मैंने। अभी बाकी है बहुत सारा सो बस करते हैं फटाफट इसको। सेकेंड राउंड पूछा गया, अब आई थिंक लास्ट राउंड में कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। सो गाइस हमारा बैटर रेडी है ढोकले का। अब इसको हम ढक के रख देंगे और फिर आगे का जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगी। ऐसा टेक्सचर रहना चाहिए एकदम स्मूथ। सो गाइस शाम हो गया है, सुबह का हमने फर्मेंटेशन के लिए रख दिया था और इसमें डाला है नमक और अदरक मिर्चा का पेस्ट ताकि अच्छा टेस्ट आए। और उसके बाद जब हम लोग थाली डालना, घोल को इसमें डाल के सोडा डाल के हिला के फिर ऐसे जैसे इडली का थाली करते हैं ना वैसे ही वैसे एक बार दिखा देते हैं। हाँ ऐसा ये देखिए एकदम फ्लफी बनेगा। अभी 10 मिनट लगेगा इसको, 10 मिनट्स में ढोकला रेडी। फिर आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं और उसके साथ भी चटनी। गाइस सबसे पहले हम लोग ये ग्रीसिंग कर दिए थाली में तेल लगा के, फिर जो बैटर उसमें तेल डालने का, उसके बाद थोड़ा गर्म पानी डालने का। नहीं अभी थोड़ा सोडा डाल दीजिए। अब उसको डाल देंगे थाली में। कितने देर में बंद कर दे, 15-20 मिनट में बंद कर देना। हाँ एक बार चेक कर लेना फिर भी उसके बाद। तो ढोकला का थाली रेडी हो गया है, ठंडा होने के बाद हम लोग पीसेस करते हैं। ये देखो कितना सॉफ्ट है। ये देखो गाइस देख लो वाह।
ऐसे दो टुकड़े कर देना। बहुत मोटा रहता है। अभी हम लोग इसको छौंक लगाएंगे ना, उसके बाद खाने में। आप लोग ऐसे भी तेल ढोकला खा सकते हो लहसुन की चटनी के साथ। तो हम लोग ऐसे भी खाते हैं और इसको फ्राई करके भी खाते हैं। जो ढोकले रेडी है उसको अब छौंक लगाया जा रहा है। उसके लिए हमने तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद राई जीरू डालेंगे। हमारे लाला सबसे पहले खाना खाते हैं, तो हमारा जैसे ही खाना रेडी होता है हम पहले लाला का थाली रेडी करते हैं, उसके बाद बाकी सब खाते हैं। लाला तेल ढोकला खाएंगे क्या? अच्छा, लहसुन डाला हुआ है। ओके ओके ओके। अभी लाला टेस्ट करेंगे पहले। हाँ गाइस, लाला टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे क्या है क्या नहीं। ये हमारे लाला ढोकला खाने जा रहे हैं। तेल गरम हो गया, अब इसमें डाल रहे हैं राई जीरू। कड़ी पत्ता, एक्चुअली बन रहा है ना थाली, तो हम लोग पहले जितना बना उतना फ्राई कर ले रहे हैं। थोड़ा सा ही डालिएगा गाइस, ऑलरेडी डाला रहता है बैटर में। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, बस ऐसे ही डाल देना। जैसे इडली फ्राई करते हैं ना वैसे ही गाइस। बहुत टाइम हो गया, कितने दिन से बन रहा है यार। ये भूल जाते हैं, भिगोना है हो गया। आप धनिया पत्ता डाल देंगे बस। गाइस अब गार्निशिंग के लिए हम डाल रहे हैं धनिया पत्ता। खट्टा ढोकला का रेसिपी आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। वघारेला ढोकला भी भगवान को जमा देते हैं, खिला देते हैं वघारेला ढोकला।